से सर मिलाई बीच रास्ते में किसी को छेड़ते हुए क्या तेरे घर द्वार मिल गए, जो बीच रास्ते में जा भी जाता वार शुरू हो जाता है। उसके साथ जो जबरदस्ती कर रहा है अपने आप को बहुत बुरा समझता है। अरे हमारा मान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तेरे बाप का राज नहीं है कि जहां चाहे कहा शुरू हो जाए। क्या तेरे पास घर द्वार नहीं है? अगर तेरे पास पति है तो जाकर अपने घर में इस्तेमाल कर, रास्ते दे नहीं। हमारी जहां इच्छा होगी हम वहां कुछ कर सकते हैं। वो तेरे बाप की बताते नहीं है, वो आम रास्ता है लोगों को आने जाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तू इस रास्ते में अपने घर वालों के साथ कुछ भी करे और कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तेरी माँ ने दूध फुलाया है तब उसके साथ बदतमीज करके तो दिखा। अगर तेरे बदन की खाल उधेड़ कर दी तो वह भी किसी का बेटा नहीं है। अरे जवानी में जवानी का होश न खो बैठे, होश में तू खो रहा है। अभी मैं होश से बात कर रहा हूँ, जब मैं होश हो गया तो तेरे बदन पर यह चमड़ी हो जाएगी। यहां से चला जा, अरे हम जो रास्ते का बड़ा मत बन। मैं जानते हो अगर मैं गया तो क्या कर लेगा? भी धनवाद है भाई साहब को, लाख लाख धन्यवाद। संसार में कुछ ऐसा कर करने लगे तो हर भतीजी का चाचा आकर तो ईमान उठ जाएगा। इंद्रपाल हट जाओ, आज हम इसको देखने के लिए हासिल करते हैं। करो ये तेरी घरवाली और वो कह रही है तेरी चाचा। ये अरे यार का यार खरबा खरबा अगलन है यार घरवाली होने वाली है, होने वाली है और होने वाली है। होली तो नहीं, सब तलक होती नहीं तब तलक कोई भी किसी को हाथ नहीं लगाता। और सुन मेरी बात,
अंदरबान पहले तो इसके बदन के कपड़े उतार माल्य। हम तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, हम तो सप्लाई करने वाले थे, कबड्डी नहीं की है ना, इसलिए कुछ लाल लगती है ना। ठाकुर ठाकुर डॉक्टर कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो। ठाकुर अगर जान के अगर जान की सलामती चाहते हो तो जिस लड़की के बदन पर तूने नापाक हाथ लगाए हैं तुमसे लड़े हई मारी हम कैसे जान की सलामती चाहते हो, खैर चाहते हो तो जिस लड़की के नाम बदन पर तुम्हें ये नापाक हाथ अपने लगाए ना, उन्हें हाथ को जोड़ कर और इसके बाद अगर अपना सर भर कर माफी मांग और बोल कि बेटी मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, अन्यथा आज हम तेरे बदन पर अरे भाग लूंगा भाग लूंगा। अरे 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 जब तक तो बाहू नहीं मांगेगा तब तक मेरा हाथ तक तुझ पर बरसता ही रहा। भैया हम हो हम हो हम आपका बहुत मारे इतना मार बेबुल हमका माए वैसे मारक मुझे दे दे माफी तो मांग रहा नाम लेकर ज्योति मुझे माफ कर दे यार। आपको मैंने माफ किया लेकिन बहुत बार किसी के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करना। बात मेरी अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में उतार दी, आइंदा को किसी के घर की इज्जत को नीलाम करने की उसे बेइज्जत करने की कोशिश की तो आपको छोड़ रहा हूं, अगर दोबारा मेरा गुस्सा निशान से मार कर बाबू जी आपने साथ शेर साहब ने बहुत एहसान किया है। देखो उसमें एहसान मैंने कुछ नहीं किया, एक इंसानियत के नाते इंसानियत का फर्ज अदा किया है। नहीं बाबू जी सुन मेरी बात को, क्या कहना चाहते हैं के
देखा जाता है हमने क्या ना कर्म कर आप एहसान की बात कर रहे हैं मैंने कोई एहसान नहीं किया और उस भगवान का वास्ता देकर मुझे क्यों मुझे बाप का भाई बना रही है। अरे मैं भी एक इंसान हूँ इंसानियत के नाते मैंने आता एक इंसान होने का फर्ज अदा किया है इसमें एहसान की कोई बात नहीं और मेरी बात सुन और इसमें एहसान कुछ और ना तो पीछे हमारा हर इंसान का फर्ज बनता है इंसान के काम आ जाए वही सबसे बड़ा एहसान होता है और इसलिए बाबूजी कि करो इनकार नहीं कि करो इनकार नहीं दिल में नचारा बजा रहे हैं ये नक्शा किशोर खान और हमारे ये राजकुमार भाई ज्योति का काम किए हैं इनके लिए 21 रुपए कलमबंद नकार मात्र की जान सहयोग है कैसी बातें कर रही हूँ बात सुन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ प्यार कहते हैं कि दूर से बात करो अगर प्यार करना चाहती है तो ऐसा न करो ना साफ साफ क्यों मैं कहती हूँ ये बीमार बुरा करती हूँ मुझे उस लाइन पर ला रही बाबू जी कि तेरी बाहों में जीना है तेरी बाहों में जीना है तेरी बाहों में मरना Yeah.
खुश होकर कह रहे थे भाई के भाई पाल लेने से धन्यवाद। और महेश मौसिया कह रहे हैं कोई हमका बता दो तो हम मांगा इनाम जा रहे हैं गैंग से क्या है हमारे जो भेजे के भाई और गाय जो चले वो थोड़ा करें प्यास लगी है और जाकर सामने वो कुआं दिखाई दे रहा है एक लोटा जल भर चला ये सुहानी जानी रातें हमें सोने नहीं देती सुहानी निखार कर आया है इसको ये कुएं में पड़ी थी हाँ देखिए अजीब जाए मार रही है क्या हो रहे धमका लग रहा है ये तो मर चुकी है क्या हाँ भाई देवगर हैंडी मालिक हम मजाक करते हैं मालिक सदाजी अभी जिंदा है
क्या जिंदा है? हाँ ठीक है, अभी वो थोड़ा आ जाएंगे। मालिक अभी जिंदा है। इस खुले में क्या मकसद हुआ आपको आने का? खुले में मैं जानबूझ के नहीं गई थी, मुझे सागर सिंह ने धकेल दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ज्वाला सिंह की पत्नी हूँ। ज्वाला सिंह जारी है, हमारे दुश्मन की बीवी है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। जोर जबरदस्त अरे कालिया, कालिया सुन तो मैं घर कहो क्या बात है? जा ये कागज और कलम में करा। अरे हो पहले सुनिए हमारी बात, जिसकी कैसे कर रहे हैं ज्ञान और हम यह जुड़े मास्टर आपको काम कर खुश रहो। मोहल्लाबिन डिजाइन से 21 रुपए कलम में मिले हैं, आप बताओ क्या है? जाओ ये कागज और कलम ले कर आओ। धर्म की कोई बात नहीं है, तुम्हारा घर जो बात बना देंगे आप तुम्हें ले जाएंगे। आप किसी बात को नहीं करना। अच्छी बात कौन सदा जी लिखो सर बताओ। ठाकुर ज्वाला सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ठकराई बैरहंसी की हिरासत में है। बैरहंसी की हिरासत में है, अगर उसे जिंदा ले जाना चाहते हो सर, उसे जिंदा ले जाना चाहते हो वही बात वही बात, तो 50,000 रुपया लेकर के विजयपुर के मेले में मिले। 50,000 रुपया लेके विजयपुर मेले में मिले। पुलिस को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, पुलिस को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी खबर की खबर यह हो रही है कि हमला तुम्हारे ठकराएंगे खुबैया और आगे 440 फुट खतरा, 440 फुट खतरा खतरा जिला राजस्थान, जिला राजस्थान आपका दुश्मन डाकू बहन सिंह, आपका दुश्मन डाकू बहन सिंह, इस खत को आपको लेकर जाना होगा। ठीक है हम जाइए जा सकते हैं। आओ खतरा चलो, हमारे बिहार में चंद मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। आप तुम्हारे ठाकुर के पास खबर जा रही है, वो सब बता रही है। आइए हेलो हेलो, अरे भाई क्या करो, अरे भाई क्या करो, चुनारा चलो चला खता का जो फिर क्या होता है नहीं होता है। शगर सिंह कौन भगवान प्रकाश, तो मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला कहने का मतलब मुझे आज भाई आप सड़क रही है, कुछ कुछ होने वाला अशुभ संकेत नजर आ रही है। ले आपका खेत खाता है हुआ है, गुड़ कम खाया करो। ठाकुर साहब ये जब आ गए आई है, ये आपका खाता आया हुआ है, ले पढ़ो। पढ़कर सुनाओ क्या लिखा? हम पढ़े नहीं हैं, गुस्सा लग गया मेरे पर, तुम जाने लोग लेकर इनका पढ़ाओ। ऐसे पोस्टमैन बन गए। क्या लिखा? देखो सागर सिंह क्या लिखा। ठाकुर ज्वाला सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हें डॉक्टर राम सिंह नमस्कार करता है, नमस्कार करता है, साला डरता है हमसे। आगे समाचार ये है कि तुम्हारी पत्नी पारे हमारी कब्जे में है। पारो पारो के ऋषि के कब्जे में, अगर अपनी पारों की जिंदगी चाहते हैं
तुझाई पर कहने लो मेरे 50,000 रुपए लेकर आ जा राजस्थान 440 बोल खतरा थोड़ा बड़ा समझ इसका मतलब जयपुर के मेले से पारू को किडनैप करने वाला कोई और नहीं ठाकुर बोल रहे हैं एक काम करो उसको बुला लाला करो ए लाला फोन लाओ और हमारे फोन ले क्या फोन शेखर सिंह अब हमें बढ़ने ऐसा करो इंस्पेक्टर जीवन पांडे को बुलवाना चाहिए और डॉक्टर के नाम सिंह के नाम जुम्मेवार करता है चल फोन लगा फोन कहाँ लगाई अरे सारे कहाँ लगाओगे